मनाली में सामने वाली दुकान से हमने सब्जियां ले ली है, टमाटर और बहुत सारी सब्जियां ये है। तो हम करने वाले हैं ताबड़तोड़ वाली कैंपिंग, गाड़ी के ऊपर है रूफटॉप टेंट, तो अभी चलिए कैंपिंग दिखाते हैं। ये मिनी ओवरलैंडिंग सेटअप है और कितनी प्यारी लग रही है ना भाई सुबह सुबह। क्या बना रहे हो भैया? भाई आज बना रहे हैं राइस और साथ में दाल मखनी। बड़ा प्यारा सेटअप बना रखा है भाई ने, डबल बर्नर तो चूल्हा लगाया हुआ है। इसका सिलेंडर कहाँ पे है? सिलेंडर आगे रखा हुआ है। अच्छा आगे रखा हुआ है। पूरा सेटअप दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, लद्दाख जाना है, चले मेरे साथ, आपको लद्दाख टूर करवाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केपी एक्सप्लोर। कैसे हो दोस्तों सारे? यार दोस्तों, हमें घर से निकले हुए करीबन 15 घंटे हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं इन हसी वादियों में। अभी हमें मनाली में, और भाई अपनी लद्दाख सीरीज जो 2023 की लद्दाख सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। तो यार दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो अपना पहला स्टॉप है वो मनाली का रहेगा। यार देखो, घर से और मनाली तक की हमने कोई वीडियो शूट नहीं करी। गुड़गांव से और दिल्ली से मनाली तक की वीडियो देख देख के आप बोर हो चुके हो, हमने कुछ शूट नहीं किया। अब हम आ चुके हैं मनाली में और हम करेंगे रूफटॉप टेंट कैंपिंग। अपनी धनों पे देखो यार, रूफटॉप टेंट लगा हुआ है। ये वाली जो कैंपिंग है हमारी पहली कैंपिंग होने वाली है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस पहला होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। अटल टनल क्रॉस करके शिशु में एक बढ़िया सी लोकेशन देखेंगे, वहाँ पे करेंगे कैंपिंग और रात को क्या फूड बनाएंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। और ये जो लद्दाख सीरीज है ना दोस्तों, ये करीबन 12 से 15 दिन चलेगी और काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। और भाई नज़ारे देख लो मनाली के, इस तरफ क्या हंसी नज़ारे हैं ना। और भाई मतलब हम रात को निकले थे करीबन 1:30 बजे के आसपास, और उसके बाद हम कंटिन्यू ड्राइव करी हमने, करीबन गाड़ी 550 किलोमीटर के आसपास चल गई है। उसके बाद हमने सोचा भाई अब आपको नज़ारे दिखा दिया जाए, तो नज़ारे देख लो और चलते हैं कैंपिंग करते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा। रूफटॉप टेंट आप कहाँ पे लगवा सकते हो? इंडिया में सबसे सस्ता रूफटॉप टेंट है भाई ये जो हमने लगवाया है, इससे सस्ता टेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं मिलता है ना तो कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी सी, तो कैंप दिखाऊंगा कैसा कैंप लगता है भाई। और किसी भी गाड़ी पे आप रूफटॉप टेंट कैंपिंग कर सकते हो, तो हमने अपनी स्विफ्ट पे लगवाया है, आप किसी भी गाड़ी पे लगवा सकते हो। दोस्तों यार एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो सामान हम लेके आए कैंपिंग के लिए, भाई इतना सामान हम कभी नहीं लेके आए अपनी गाड़ी में। तो आओ सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, कितना सामान अपनी गाड़ी में है। और टेंट तो आप देख ही रहे हो, क्या जच रही है ना गाड़ी, आप बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है। और आओ आपको मैं सामान दिखाता हूँ, सबसे पहले हमारे पास सामान कितना है। टोटल सामान है भाई, फुल कैंपिंग करने वाले हैं इस बार, होटल लेने का कोई मूड नहीं है। कोई भी टेंट में सोएंगे, जहाँ भी गाड़ी की जगह मिल जाएगी वहाँ पे टेंट लगाएंगे, वहीं पे अपना टेंट लगा के और सो जाएंगे। मस्त मज़ा आएगा, पूरी सीरीज देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आइए जादू का पिटारा खोलता हूँ और सामान दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अभी मनाली से हमने सब्जी ली थी, ये वाली सब्जियाँ ले ली है। इधर हमारे बैग है, उसके नीचे भाई स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग तकिए वगैरह टेंट के अंदर ही आ जाएंगे, अभी हमने इसको खोला नहीं है। और बाकी आप डिग्गी में देख सकते हो दोस्तों, इधर आइए, ये देखो भाई ये देखो, इधर मैगी है, खाने का सामान है, इधर अंडे हैं, इधर हमारे गैजेट्स हैं सारे। भाई गाड़ी पूरी ठुका ठुके, किसी की बैठने की जगह नहीं है। ये एक लाइट मंगवाई थी हमने, बेहतरीन लाइट है, इसका भी बताऊंगा, ये आप कहाँ से मंगवा सकते हो। एक लाइट ये है हमारे पास, इसके कमेंट आ रहे थे बहुत सारे, तो ये भी बताऊंगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों कैंपिंग के मज़े करते हैं, आपको भी बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलिए अब भाई वेट नहीं हो रहा है, फटाफट से अटल टनल क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जाते हैं शिशु में, बढ़िया सी लोकेशन देख के कैंपिंग करते हैं। दोस्तों फिलहाल ना बहुत ज़्यादा ना लेट हो चुके हैं भाई, बहुत टाइम हो गया है। अभी मैं नीचे गया था दूध लाने, मेरे को ना वो छोटे टेट्रा पैक नहीं मिल रहे, वो एक बार में यूज हो जाते हैं। करीबन 7:30 हो चुके हैं भाई, और हमें भाई कैंप लगाने के लिए जगह भी ढूंढनी है, टनल भी क्रॉस करनी है। सबसे पहले तो भाई टनल क्रॉस करते हैं, पता नहीं ये शाम को करने देते हैं नहीं करने देते, क्योंकि हम ही अकेले जा रहे हैं। उधर से तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है लेकिन इधर से नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। टनल के पास हम आ चुके हैं, और अभी अगर पुलिस वालों ने रुकवाया तो यहीं पे रुकवाएंगे, उसके बाद कोई नहीं रुकवाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है चेकिंग भी हो हमारी, तो फिलहाल तो हम आगे की तरफ निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है पुलिस वाले यहाँ पे, कोई
कोई नहीं है रोकने वाला। कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं। तो वही टनल के साउथ पोर्टल से होंगे चल रहे हैं, नॉर्थ पोर्टल भी है। तरफ से जब घुसे थे ना टनल के अंदर तो मतलब अंधेरा नहीं था, और अभी दूसरी तरफ आ चुके हैं और अंधेरा हो गया है भाई। ये देख लो, इतना तो नहीं हुआ है बट हाँ अंधेरा होने लग गया है। बस फटाफट से लोकेशन ढूंढनी है और कैंप लगाना है अपना। देखो यार टेंशन तो कोई है नहीं, क्योंकि हमें ग्राउंड पे टेंट नहीं लगाना, अपना रूफटॉप है तो आराम से इसको खोल के और सो सकते हैं हम। तो देखो जंगली जानवर की या फिर किसी भी चीज़ की किसी भी तरीके से कोई भी खतरा नहीं है। और आपको मैं बता दूँ ये कुछ, मैं देखो रोहतांग पास अगर आपको जाना है तो यहाँ से राइट जाना होगा, और आपको ले जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं ले की तरफ क्योंकि हमें ले ही निकलना है भाई। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल चेंज हो जाता है भाई, बिल्कुल चेंज जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है। और अभी भी स्नो सामने आपको दिख रही होगी, इतनी नहीं है पर है। और यहाँ पे सर्दी अच्छी खासी है, हम अभी टी शर्ट में ही घूम रहे हैं क्योंकि भाई हम हरियाणा वाले हैं तो ऐसे ही हैं। तो फिलहाल तो इतनी बर्फ नहीं है, बाकी जब हम आगे जाएंगे ना सरचू पास, जब हम गाटा लूप और ये सारी चीज़ें क्रॉस करेंगे, किलोंग क्रॉस करके आगे जब सरचू जाएंगे वहाँ पे भाई जबरदस्त बर्फ है, जबरदस्त। वीडियो में बने रहना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना शेयर करना। तो भाई ये जो हमारी लद्दाख सीरीज है ना ये जबरदस्त होने वाली है। और सबसे पहले भाई शिशु गांव चलते हैं, वहाँ पे हेलीपैड के वहाँ पे लोकेशन ढूंढते हैं, फिर भाई जैकेट वगैरह पहनेंगे, फिर लगाएंगे कैंप और आपको भी हम दिखा देंगे। फिलहाल दोस्तों हम हैं शिशु हेलीपैड और सामने माउंटेन्स आप देख रहे होगे, सामने जो आपको तो लाइटें चमक रही है ये सारी हेलीपैड की लाइटें हैं, यहाँ पे हेलीपैड है। और हम थोड़ा सा कच्चा यहाँ पे उतार के, और ये देखो यहाँ से कच्चा उतार के हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना रूफ टेंट ओपन हो रहा है, एक भाई हमें और मिले हैं, अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। XUV 500 है उनके पास, तो फुल ओवरलैंडिंग सेटअप उनका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपना टेंट ओपन कर लेते हैं। और भाई जो हमने लाइट मंगाई थी ना ये वाली, ये बड़ी काम की लाइट है भाई, ये देखो। और ये इसका उजाला देखो, पूरा बढ़िया उजाला दे रही है। तो सबसे पहले पूरी टेंट ओपन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक फ़ायदा हमें ये मिल गया, यहाँ पे हम कुकिंग कर सकते हैं इस शेड के अंदर ना आराम से, तो यहाँ पे हवा की टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पे कुर्सियाँ भी हैं, एक टेबल भी है, ये हमारे काम आ जाएगी। तो टेंट ओपन करते हैं। तो अपना टेंट ओपन हो चुका है, और ये देखो भाई हमने अपना सेटअप कर दिया टेंट का। दो स्लीपिंग बैग हमने ये डाल दिए हैं इसके अंदर, ये बड़े वाले स्लीपिंग बैग है, और इसके अंदर हमने एक ये चादर बिछा दी है, ये वॉर्म वाली है, गर्म रहेगी। दो हमने इसमें तकिए डाल दिए हैं, और भाई इसमें तीन आदमी आराम से सो सकते हैं। आप देख सकते हो टेंट की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। इधर एक लाइट हमने यहाँ पर लगा दी है, और सोएंगे जब आपको दिखाएंगे कितने कम्फर्टेबली हम सो सकते हैं इस पर। तो भाई बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी इस टेंट के अंदर। तो और चलिए अब नीचे चलते हैं और कुछ सेटअप करते हैं खाने का। आज खाने में क्या बनाने वाले हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। सेटअप हो चुका है, हमने गैस चूल्हा यहाँ पे रख दिया है, और अभी देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं, मैं आपको बताऊँ। इसके अंदर देखो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ दोस्तों, इसके अंदर हम डाल के लाए थे अपना अमूल चीज़ टिक्की और पनीर नीचे, तो ये आइस डाल के लाए थे इसमें हम। तो अभी तक भी ऐसी कैसी है भाई, कल रात से डाली हुई है, हो गए होंगे 17-18 घंटे, तो इसको ऐसे कैसे अभी तक भी मेल्ट नहीं हुई है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई, ये आइस बॉक्स आप ले सकते हो, मिल्टन का है। तो अभी देखते क्या बनाते हैं इनका। और वही तो कह रहा है बर्गर खाने की, बर्गर खाएगा है। तो चल पहले बर्गर बनाते हैं बढ़िया सा। रूफ टॉप अपना लग चुका है, और भाई इधर कुछ सेटअप कर रहे हैं। क्या बना रहे हो भैया? भाई आज बना रहे हैं राइस
और साथ में दाल मखनी। अच्छा रेडी टू ईट। अच्छा हल्दीराम की दाल मखनी है। हल्दीराम की है। अच्छा आज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, 9 बज चुके हैं सुबह, आपको पता है जल्दी भी जाना पड़ सकता है, जल्दी भी जाना पड़ सकता है, इस वजह से फिर हम सोच रहे हैं कि 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 5 बजे उठ के हम यहां से निकल जाएं, क्योंकि 6 से 9 भी टाइमिंग हो सकती है, अगर इससे ज्यादा लेट हम यहां से करेंगे तो फिर वो टाइमिंग का भी कंफर्म भी तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, अभी हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। तो भाई का सेटअप कुछ ऐसा है, देखो बड़ा प्यारा सेटअप बना रखा है भाई ने, डबल बर्नर तो चूल्हा लगाया हुआ है, इसका सिलेंडर कहाँ पे है? सिलेंडर आगे रखा हुआ है। अच्छा आगे रखा हुआ है, पूरा सेटअप दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ से, अच्छा ये ऐसे स्लाइड हो जाता है, ओके, ये सारे मसाले, सारे मसाले इसके अंदर है, मैगी वगैरह सारी इसके अंदर आ जाती है, सब कुछ आता है इसके अंदर, ये है ओके, और ये अभी थोड़ा मेस्ड अप है क्योंकि अभी ये सेटअप सेट किया हुआ थोड़ा सा, अभी ये देखो आप, ये तो आ गया इसमें सारा बर्तन वगैरह मसाले वगैरह, मसाले का बॉक्स ये है, बॉल बच्चों की खेलने के लिए, और इसके पीछे एक और सीक्रेट बॉक्स है, वो ये इसके नीचे, बहुत बढ़िया, इसके नीचे जो भी आप सोच सकते हो कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई सीक्रेट वाली चीज रखनी वो भी रख सकते हैं, इसके अलावा भी एक और ये बेड बनाया हुआ है, मिस्ट्री बॉक्स है, वो जो चीजें हमें ज्यादा नहीं चाहिए हो वो हम उस तरफ आ जाता है, उस तरफ रखा है, बनाया हमने स्पेशली, तो इसी हिसाब से है कि उसमें जैसे स्नो चेन रख दी या कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बहुत रेयर यूज होती हैं, वो हम वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे रखते हैं। तो इस पे कितने बंदे सो जाते हैं इसके अंदर? हम दो तो बड़े कंफर्टेबली सोते हैं, स्पीति वैली का टूर किया था मैं, दो एडल्ट और दो बच्चों के साथ, ओके, हाँ, तो उसमें हमने पूरा कैंपिंग की थी, कोविड का टाइम था, कोविड का टाइम था, उस टाइम कोई घर में आने गाँव से भी पास से गुजरने नहीं देता था, अब जो है अब हम दो ही ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। तो भाई ने पूरा बेड बनाया हुआ है, पूरा किचन बनाया हुआ है, पूरा ओवरलैंडिंग सेटअप गाड़ी के अंदर बनाया हुआ है। आइए एक बार इधर से और दिखा देता हूँ भाई का चैनल, तो ये चैनल का नाम है सचिन ओवरलैंडिंग। हाँ। ये एक्चुअली रूबीकॉन है, फ्यूचर में कभी लेंगे, ओके क्या बात है, तो भाई का चैनल है, जाके देख लेना, बढ़िया सेटअप बना रखा है, ओवरलैंडिंग करते हैं, ठीक है, और इधर देखो पूरा सामान भरा हुआ है हमारी तरह भाई ने भी ना पूरा, तो इस पे भाई दो आदमी आराम से सो सकते हैं, इसमें तीन भी सो सकते हैं बड़े आराम से, तो फिलहाल भैया और भैया की बेटी ये अभी ट्रैवलर कर रहे हैं, और लद्दाख टूर है, कश्मीर होके वापस आएंगे, ये प्लान है अभी, ओके, तो देखते हैं 15 से 18 दिन का टूर है अभी, ओके 15 दिन तो शायद हमें भी लगेंगे, हम भी सोच के आए हैं कि लद्दाख पूरा कंप्लीट करेंगे, देखते हैं, वो कश्मीर में थोड़ा पंगा चल रहा है जाम वगैरह का, कर में देखते हैं शायद इधर से ही वापस आए, नहीं अभी तो देख लेंगे, वो सोर्सेज से पता कर लेंगे, सोर्सेज हर जगह देखते हैं, अगर ठीक रहा तो फिर उधर से ही, उधर से वो एक सर्किट बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना सेटअप कुछ ऐसा है कैंपिंग का यहाँ पे, और चलिए अब खाना बनाते हैं, भैया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बस हम ही पीछे हैं थोड़ा सा, अब सेटअप करते हैं अपना खाने का, अपनी सब्जियां इधर है, और ये रहा अपना चूल्हा, इसमें हमने ब्यूटेन डाल दी है, और ये ऐसे ऑन हो जाता है, वो टिक्की डल चुकी है, और ये फ्राई, आप क्या बना रहे हो भाई? मैं राइस और दाल बना ली है। अच्छा राइस दाल बना रहे हो। हाँ। तो भाई अपने बर्गर बन चुके हैं, ये देख लो, एक केरा नीचे, और इसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं, सबसे पहले इनको फिनिश करते, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, और भाई का भी खाना हो चुका है, सारा हो चुका है ना, बिटिया सो गई? हाँ नहीं, तो सोने वाली है। अच्छा जो चंडीगढ़ की आदत पड़ी है 11-12 बजे सोने की, हमें भी यही आदत है, तो एग रखे हमारे सामने, देखते हैं उनका कुछ बनाएंगे, अभी सबसे पहले बर्गर खा लेते हैं। हाँ भाई ठीक है खाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केपीएल एक्सप्लोर, कैसे हो दोस्तों सारे? यार सुबह हो चुकी है, रात को मैंने आपको दिखाया था भाई हमने बर्गर वगैरह बना लिए थे, भाई हम खा के ना सीधा सो गए थे, आपको पता है रात को निकले थे 1 बजे के आसपास, तो भाई सीधा फिर हम शिशु आके रुके हैं, काफी लेट हो गए थे, और करीबन उस टाइम पे टाइम भी अच्छा खासा हो रखा था, भाई सीधा हमने बर्गर खाए और सीधा ऊपर जाके अपने टेंट में सो गए थे, आप पीछे देख रहे होगे अपनी गाड़ी, अपनी धन्नो खड़ी है सामने, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये टेंट कैसा था भाई, और इसमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन सामने आप रोड देख रहे होगे, ऊपर वो गाड़ी जा रही है, वो शिशु वाला रोड है, वो उधर मनाली साइड से आ रहा है, और इधर जा रहा है लेह की साइड में, ये इधर शिशु विलेज है, और इधर ये है हेलीपैड, मैंने आपको बताया था कि हम हेलीपैड के पास रुके हुए हैं, तो हमने हेलीपैड के वहाँ पे लगाना ठीक नहीं लगा, कोई वहाँ पे आके कह दे यार क्यों यहाँ पे लगा रखी है अपने गाड़ी वाड़ी, तो हमने क्या किया वहाँ से नीचे उतारी गाड़ी और सीधा इस ग्राउंड में लेके आए,
और यहाँ पे सीधा खड़ा कर दिया अपनी गाड़ी को। और भाई अपना टेंट कैसा लग रहा है जरा बताओ यार, ये मिनी ओवरलैंडिंग सेटअप है और कितनी प्यारी लग रही है ना भाई सुबह सुबह। क्या हाल है भैया, नींद कैसी आई? बहुत बढ़िया आई। अच्छा अब तो फिर भी बहुत लेट उठे हैं। और ये भैया का सेटअप है, रात को मैंने आपको दिखाया था भाई। ये मेरे को ना सबसे बेहतरीन चीज लगती है, गाड़ी के अंदर सो जाओ मस्त, कोई टेंशन नहीं है। ये सबसे सेफेस्ट मोड है। हाँ। और इसमें इंसुलेशन बड़ी अच्छी होती है। ठंड हाँ। ज्यादा ठंड नहीं लगेगी आपको। मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है रात को इस टेम्परेचर में, जीरो तक। अब आगे देखेंगे। हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया? नींद कैसी आई? मस्त आई। तो भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा रात का? जबरदस्त। तो भाई देख लो ये कुछ अपना सेटअप है गाड़ी का, और कैसी लग रही है अब जरा बताओ यार। दिखने में तो बड़ी कमाल लग रही है इस टाइम। छोटी सी गाड़ी है और इसके ऊपर टेंट, क्या प्यारी लग रही है ना। इधर भाई ने पानी गर्म कर दिया है, और अपना जो सुबह सुबह का काम होता है ना, वो जरूरी वाला काम, ये वाला देख लो, ये वाला जरूरी काम है, ये निपटाते हैं। और सबसे पहले टेंट को फोल्ड कर देते एक बारी, और उसके बाद अंदर सारा सामान फैला हुआ है और उसको भी सेट करेंगे। तो यहाँ का व्यू है ना भाई जबरदस्त है। इधर आप देख रहे होगे यार, पीक्स है, स्नो है, स्नो पीक्स दिख रहे हैं आपको। उस तरफ आप देख रहे होगे, हमें उस तरफ जाना है, तो कितनी सारी स्नो उधर दिख रही है इस टाइम। और अभी टाइम हुआ है करीबन 6:30 है, और अभी निकलने की तैयारी है हमारी। तो शूज़ पहनते सबसे पहले भाई, ठंड लग रही है अच्छी खासी, क्योंकि हम ऐसे ही उठ के आ गए थे और टी शर्ट में थे, आपने देखा था हमें। और इसको पैक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ओपन करते हुए तो देखो इतना नहीं दिख पाया, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था अच्छा खासा। आज हम कोशिश करेंगे जब इसको ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाएंगे कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे इसको सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें। तो वीडियो में दोस्तों बने रहना, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं और अंदर का सेट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि जो टाइमिंग है यहाँ से निकलने की वो करीबन 9:00 से और 11:00 तक ही रास्ता ओपन होता है। तो सबसे पहले हम लेट नहीं होते, यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ये देख लो भाई, कपिल भाई का लोगो, KPL एक्सप्लोर, इधर प्रागो का लोगो। भाई अंदर का दिखाता हूँ आपको, सेटअप दिखाओ एक बारी कैमरा। ये देखो हमने इसमें ना अंदर ही छोड़ दिया है सारा सामान, और ये उम्मीद है कि इसी के अंदर आ जाएगा। आप लोगों को तो हम भाई वैसे खोल के दिखा देते हैं, क्लोज करके दिखा देते हैं, उसके बाद जो बैक एंड का काम होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफेस्ट काम है। लोगों को लगता है कैंपिंग करना आसान है, कोई बात नहीं, उसको हम आसान बना देते हैं, क्या दिक्कत है। आप मजे लो, आप देखो हमारी वीडियो, हम दिखाएंगे आपको कैंपिंग करके। ये तो कुछ नहीं है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये पहाड़ों वाले के बाद तो इसका रंग खिल ही जा रहा है सही में। 3-4 मिनट ही लगते होगी बंद करने में ना, कभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको बंद करने में। सबसे पहले सिटी थोड़ा सा आप चला जाएगा ये धीरे धीरे। तो ये लो भाई अपना पैकअप हो चुका है अच्छे से, और भाई सारा सामान हमने सेट कर दिया है। थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि अभी रोहित रेडी हो रहा है, वो नहीं हुआ है। पीछे हमने सारा सामान सेट कर दिया है, ये आइस बॉक्स भी हम नीचे रख देंगे, बड़ा बेहतरीन आइस बॉक्स है भाई, मिल्टन का, भरोसा कर सकते हो। करीबन 20 घंटे के आसपास इसमें बर्फ ऐसे कैसे रहती है। कोल्ड स्टार्ट हमने गाड़ी कर दी है, भैया ने भी अपना पैकअप कर दिया पूरा। ये देखो अभी आपको सेटअप दिखाता हूँ मैं, कितनी ओवरलोड है गाड़ी। ये ओवरलोड इसलिए लग रही है, एक्चुअली इसलिए लग रही है क्योंकि अभी मैंने बेड बनाया बच्चा का सोने के लिए, इसको सोने का मन करके तो बेड से सो भी जाएगी। सो जाएगी। तो मतलब
यार देख लो आप मैनेज करना कितना मतलब टफ होता है कि पूरी गाड़ी पहले तो आपको अगर सोना है तो सारा सामान बाहर निकालना है, उसके बाद उसको सेट करके रखना, फिर बाद में सुबह फिर सेट करके रखना। तो भैया की गाड़ी सेट है बिल्कुल। ये देखो चूल्हा मैंने आपको रात को दिखाया था, और ये सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है भैया ना 5 किलो का। तो पूरा सामान यहाँ पे सेट है भैया का। अभी रेडी है, रेडी है बस 2 मिनट हो गए। और ऊपर का सामने का नज़ारा देख लो आप, ये देखो सामने झरना है एक, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है ना, जबरदस्त। सामने स्नो पीक्स है, माउंटेन्स, जबरदस्त। निकलते हैं भाई, करीबन 8 बज चुके हैं और 6 बजे के अभी टाइम लग गया था भाई, क्योंकि सारा सामान सेट करना। बस चलते चलते हमने बनाई कोल्ड कॉफ़ी बहुत जल्दी में, और कोल्ड कॉफ़ी का प्रोसेस ये है कि भाई इसमें शेक करके बनाई हमने, और एक बारी बिटिया को और भाई को दिया कॉफ़ी। तो भाई निकलते हैं ये कॉफ़ी फिनिश करके। देखो सिंपल सा है, हम चीनी यूज़ करते नहीं, खांड यूज़ करते, तो वैसे ही बारीक होती है। खांड इसमें डाली, कॉफ़ी इसमें डाली, दूध इसमें डाला, शेक करके, दूध ठंडा था क्योंकि यहाँ पे ठंड थी अच्छी खासी, तो शेक करके हमने बना ली कॉफ़ी, काम चल गया। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों सामान दिखा देता हूँ, देखो कैसे मैनेज किया है हमने, पूरी गाड़ी भरी हुई है भाई बिल्कुल ठुकाठुक, और डिग्गी वगैरह सब फुल है। अपना टेंट फोल्ड हो चुका है, अपना वॉकी टॉकी सेट है, एक भाई को दे दिया है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, तो एक बार जयकारा लगा दे भाई, बोल शंकर भगवान की जय। तो निकलते हैं। भाई अब लेके रास्ते खुल चुके हैं, तो ट्रकों की आवाजाही भी अच्छी खासी हो गई है, इनकी वजह से भाई इतना जाम लगता है ना। आगे जाके आपको पता लगेगा कि भाई कितना जाम लगता है। टाइम हुआ है 8:20, अभी हम शिशु विलेज में हैं, और ट्रकों की वजह से ना काफी परेशानी होती है। पर भाई अगर ये ना हो तो सारा ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगा। रास्ते बंद रहते हैं तो कश्मीर की साइड से जाते हैं ज्यादातर ना, क्योंकि वो पास खुला रहता है, जोरजिला पास बोलते हैं उसको, वो वाला पास खुला रहता है। अब ये वाला शॉर्ट रास्ता, ये 400 किलोमीटर कम है मनाली होके, तो ज़्यादातर ट्रक अब यहाँ से निकलते हैं। ये है शिशु विलेज, और ये देखो ये जितने भी आपके ट्रैक्टर और ये सारी मशीनें नज़र आ रही है, सब आइस हटाने वाली हैं। दोस्तों ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो आगे की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। नया दिन नई वीडियो, ऐसा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, अभी हम शिशु में हैं। आगे की वीडियो शिशु से आगे की आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो में आप बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।